तोड़ दिए, कैसे लग रहे हैं? बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, यम्मी। बाबरे, ये तो इसी फैटी है जड़ी। कभी अलो होटल में कदूर खर खो। चलो फल, बहुत अच्छे फल होते हैं हमारे पहाड़ों में। ये बॉम्बे से आए हुए हैं तो तभी ऐसे फैटे हैं ये दरोगा जैसा। कान मुड़ा हाँ उल्टा होना तो बॉम्बे से आए हैं इस आलू खाने, टूरिस्ट जा रहे हैं चौरसू बंगला। हाँ तो रास्ते में मिल गए हैं हमको हिसालू और काफल। थोड़ी देर में जब काफल मिलेंगे तो हम काफल भी तोड़ेंगे, बंगले के तरफ जाएंगे। शायद वहाँ भी हमको काफल या हिसालू और भी कुछ फल मिल सकते हैं। ये पहुँचे हम अभी चौरसू गांव, जहाँ चंद्रशेखर पांडे जी का होम स्टे भी है बंगला। तो हम सारा प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे। और ये रहा गेट, ये है चौरसू गांव होम स्टे यहाँ पे। हाँ ये रहे आगे से टोपी वाले हमारे पांडे जी, जिनका यहाँ पे घर है। हर कुछ बताएंगे हम लोग को। बहुत बड़ी कदर हो बाबू, बहुत ही अच्छा बना रखा है इन्होंने यहाँ अकेले अपने दम पे। यहाँ पर बैठने का बना रखा है झूला घर। ये दीपा थोड़ा सा ही मैं बैठ जाओ तुम तो। आते आते ये लोगों को थकान होगी, हम तो ऐसे भी आदत वाले हैं चलने के लिए। तो मनीषा बैठ गई झूले में और झूला झूलने लग गई। ये तीनों बैठ गए। हाँ हाँ, तो ये झूला में बैठ के कैसा लग रहा है आपको? स्वर्ग में झूल रहे हैं हम लोग, स्वर्ग में झूल रहे हैं। आप तो ऐसे कहाँ से आए अभी, बॉम्बे से? क्या आए अभी? बॉम्बे से आए हो? बॉम्बे से आए। अच्छा, ऐसी जगह आपने कभी नहीं देखी होगी ना, आज पहली बार आए हो। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बहुत सालो भी खाए, काफल भी। और सबसे ऊंची जगह होगी यहाँ पर, तीन या चार झूले बना रखे हैं। और ये है आराम करने वाला, यहाँ पर आराम करने का है। सामने बैठी है मनीषा, दिख रहा होगा आपको। सबसे ऊंची जगह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेस्ट लग रहा है इधर। ये पत्थरों का यहाँ पर फूल हो गए। और ये है स्ट्रॉबेरी, ऊपर से देखो दिपाए लालटीन उजाला के लिए। फोटो निकाल, ये क्या होटल है? फोटो निकाल। हाँ, रिसोर्ट, रिजोर्ट। ये रहा यहाँ पर रिजोर्ट। बाहर हम समय निकालो, बाहर आ जाओ, समय निकाल दे। देखो अब मामी हो। उजा 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 और ये चीड़ के फल है, छूतर ठीठ हर कलर लग रही है। आप तो यहाँ पर बैठी है आराम से। वाह,
पेड़ ना पेड़ों के ये अभी आप डेस्क पर देख सकते हैं, सब चीड़ के पेड़ों के हैं। ये बहुत ही अच्छा बना रहता है, ये सब आप चीड़ के पेड़ों का देखोगे। ये रहा यहाँ पर किचन, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पेड़ वाले घर में। और यहाँ पर पेड़ वैसे हैं, नीचे तक बना रखा है और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन यहाँ पर बना रखा है। ये पूरा बांस का बना हुआ है। तो अब हम जाएंगे सीधा इसके अंदर, दिखाएंगे आपको कैसा है ये। बहुत ही सुंदर है इधर, मैं जाऊँ बना रहे। तो यहाँ हमारे संजय जी आराम और नेगी जी आराम कर रहे हैं, लालटेन ले लो भी बैठ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये डेस्क वगैरह भी बने। और ये भात खाने वाला है ये हमारे, इसमें हम भात भी खा सकते हैं, किताब भी पढ़ सकते हैं। ये और ये जाओ का लकड़ी है, ये जाओ का लकड़ी जानते हो आप, साल का बोर्ड का। तो ये हमारे भाभी जी लाए थे और मैं हूँ इनकी भाभी। तो यहाँ पर अभी भात रखेंगे, आशीष फेरेंगे। कैसा है वो पुलाव? अरे पुलाव जो भी बनाया है, मतलब ना तुम शगर खजला ना ना मडवे का जो मिलना है, जो यहाँ देखो ना ये पेड़ पे कैसा लग रहा है, कितना सजाया है ये देखो। हाँ ऊपर को सूखा है, नीचे को हरा है। बाकी अपना दिमाग अपने आप तुम लगा सकते हो, क्योंकि हमने तो इतना बड़ा बना दिया बिले। क्यों बाकी आप यहाँ काफी ठंडा होता है, आप बिस्तर भी अभी गर्म ही रखा है, गर्म ही रखा है। तो हम पहुंच चुके हैं पांडे जी के रिजॉर्ट में, और यहाँ चौरसू बंगला यहाँ जगह के नाम है। तो हमारा अभी स्वागत के लिए आया है जूस, ये हरा वाला जूस शायद नेचुरली एकदम कैमोमाइल टी है, इसको गर्म लग रहा है, टी होगा ये टी बना के प्योर है। हाँ ये एकदम डिफरेंट टी, बहुत अच्छा स्वागत हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो ये है हमारे पांडे जी। पांडे जी आप अपने बारे में कुछ बताएंगे जी। सबसे पहले किसान चंद्रशेखर पांडे का सादर नमस्कार, और हमारे आज दाजी और हमारे सभी संजू परिवार, हम मुंबई में, मुझे बहुत बड़ा पहले की याद आ रही है। हाँ। ये हमारे मुंबई के भी मार्गदर्शक थे, और यहाँ पर भी हमारे उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से हमने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा, और यहाँ पर भी हम लोग काम करें। मैं मुंबई से छोड़ के लगभग 4-5 साल छोड़ के यहाँ पर अपना पूरा परिवार से यहाँ बस गया हूँ। बस वहाँ भी हमारा परिवार ही था, ऐसा कभी हमें लगा नहीं कि हम बहुत दूर गए हैं घर के, और यहाँ भी बागेश्वर के एक परिवार ही समझिए, मतलब एक घनिष्ठता रिश्ता है हमारा। और अभी आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और साथ में मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही कि आज कम से कम आप अपने अमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए हो, और बच्चों को दिखाने आए हैं। बच्चों का बड़ा उनको भी लगता है कि हम हमारी जगह बहुत सारी एक से एक जगह है, बट हमें उसके बारे में मालूम नहीं होता है, या फिर कहीं कमियाँ भी होती हैं। तो हम धीरे धीरे करके यहाँ पर हर्बल गार्डन्स हैं, या फिर हमारे ट्री हट्स हैं, या होम स्टे है, या फिर हमारा मत्स्य है, या साग सब्जी है, आपको सब देखने को मिलेगा आगे। तो इन्हीं शब्दों से भी ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी दादी लोग हमारे से कहेंगे, अभी हम कैमोमाइल की चाय पिला रहे हैं। मैंने तो सोचा कि ये चाय बहुत चाय में आप बागेश्वर से लाए हो या कुछ डालने के लिए आपने घर में का ये है? कुछ नहीं, हम यहाँ जो भी आते हैं 10-15 प्रकार के हम चाय बनाते हैं, नेचुरल टी होती है। अच्छा, ये चाय इसके लिए इसका नाम दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कोलगेट करता है तो पेप्सोडेंट करता है, कभी कोलगेट नहीं कहता है, ये चाय है, बट के काढ़ा होता है, एक नेचुरल आपका एक लीवर टॉनिक मान सकते हैं, माइंड को शांत करता है, और किसी भी गुस्सा आता है अगर चाय पियो तो उसका गुस्सा ऑलरेडी ठंडा हो जाएगा। और एक बीमार मेमोरी है, आप कैमोमाइल के बारे में अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। वैसे भी गुस्सा हमारा शांत हो गया है रास्ते में, कभी राइस भी कम हो गया, बीमार हो गया, सारे खा रहे हैं। संजय गांधी के कॉल में सब टपटपा के लग रहा था, कुछ नहीं बता रहा हूं, टपटपा थोड़ा कह रहा हूं। एक एक प्लेट और लगाओ, तीन ही हो गए। हां हां अभी तक जाएगा। यहां पर मिल रहा हमको है छोली भरते दुखे, और ये है पगी की सब्जी, ये बना रायता और दादा सरदार खाना यहां पर पांडे जी ने बनाया है। दो मिनट को मिला लूं उसको, ये दो प्लेट बोलो ना, अभी बोलो और वेटर कौन है? वेटर 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 हमारे मेजदा है अंदर ना, किचन कुक है वो, किचन कुक है।
वेटर साहब यहाँ खड़े हैं बाहर। अरे देखो तो जी बढ़िया, तुम लड़की आ वीडियो क्या गलत है। बना रखा है, कितना खूबसूरत बना रखा है ये रिजॉर्ट चौरसू बंगला में जहाँ हम गए हैं, और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर पूरा छाया हो रही है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और ये रहा खाने पीने वाला, हम अभी होटल के दूसरे तरफ आए हैं। यहाँ पर पूरे केले के ही पेड़ हैं, ये बहुत ही सारे केले आए हैं यहाँ पर पहाड़ी केले। इतना खूबसूरत सिरा है इधर, ये पेड़ है अमरूद का। आप हैं मुर्गियाँ, जीवाणु बुको नहीं पड़े धर तुम जा देर बहुत कड़ो नहीं पे हिसाब नहीं सारे दवाइयाँ मिलेंगे आयुर्वेदिक आपको। चाय भी हो गया। इससे ये है जो हम नारंगियों को चिकन खाते हैं ना, वो आज भी खुशबू आती है। ये चाय में यूज होता है, आप जैसे ठंडा पानी बना रहे हैं, आपको ठंडा पीना है तो सरसों डाल दीजिए, आप शरबत पी लीजिए। आपको राइस में फ्लेवर देना है तो आपने राइस बना लिया, जैसे कोई पुलाव उलाव बनाते हैं तो उसमें फ्लेवर दे दिया।